सलाम अलैकुम। तू भाई, तू बदबख फिर आ गया। हाथ पकड़, निकाल इसको घर से बाहर। कोई शौक से नहीं आया मैं, अपना काम है, यहाँ पे चला जाऊंगा। अरे इतने दिन बाद आया है, इसकी बात तो सुन लेना। ओ बात सुन सुन, इस पे रहम मत खा। और ये बंदा नहीं है, सांप है सांप। इसकी फितरत में सिर्फ डसना है, पावे अपने खून के रिश्ते ही क्यों ना हो। गुस्सा ना कर जी, चला जाएगा ये। ओए बेशर्मा, ओए बेशर्मा, और देख इस माँ को जो तेरी वजह से दर दर की ठोकरे खाती फिरी है, मगर आज भी अपनी ममता में तेरे लिए मोहब्बत भरे बैठी है। ओए हमने क्या बिगाड़ा था तेरा, ओए इससे तो अच्छा था हम पे औलाद होते। हाँ तो दिया क्या, क्या दिया? अगर औलाद पैदा की तो दिया क्या उस औलाद को? ढंग के कपड़े तक नहीं पहनाए मुझे, और खाने को भी अच्छी गजा नहीं दी। स्कूल भेजा तो गवर्नमेंट स्कूल, जमीन पे बैठ के पढ़ाते थे और मारते भी उतना थे। और क्या, जिनकी आप ड्राइवरी करते थे वो किन स्कूलों में जाते थे? हमें भेजा वहाँ? ओए बेशरम, वो तुझे अकलाल का निवाला खिलाया था, और सिर्फ ये सोच के कि इसके मुंह में अकलाल का निवाला जाएगा तो ये नेक आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, कल को हमारा सारा बनेगा। वो क्या गलती थी मेरी, क्या गलती थी? आप लोगों की बेबसी और गुर्बत नहीं देखी जाती थी, इसलिए फैसला किया कि ड्राइवर नहीं बनूंगा, ड्राइवर रखूंगा। और अब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया हूं। अब्बा अब्बा सर, ओए जिनके साथ दुआएं होती है ना, उनकी मंजिल पावे दूर हो एक दिन करीब आ जाती है, और जिसके साथ बददुआएं हो वो मंजिल पे पहुंच के भी अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सकता। वो कितने लोगों के साथ तूने जालसाजी की है, और वो लड़की ओए मासूम के साथ शादी कर ली, उसका सारा सामान बेच दिया। अरे ये तो ये मेरी मेहनत से बनाया हुआ घर बेच दिया। कारोबार करूंगा, पैसे डबल करूंगा। भाई ये तूने पैसे डबल किए हैं? वो तो क्या हो गया, कारोबार में नफा और नुकसान होता है, और जिससे मैंने शादी की थी ना उसको तो आप जानते हो, ठीक ही किया मैंने, उसे छोड़ दिया। और तूने नहीं छोड़ा, गलत कहता है तू, उसने छोड़ा। और तेरे जाने के बाद उसके घर वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया, और जलील किया हमें पूरे इलाके में, और मुंह छुपा के इधर आके बैठे तो तू इधर भी आ गया। अब निकलवा दिया मैं यहाँ से भी तू। मैं यहाँ किसी से कुछ कहने नहीं आया, बस अपना पासपोर्ट लेने आया हूँ और जा रहा हूँ इस मुल्क से बाहर। पुत्र तू फिर चला जाएगा? समझ गया मैं इसको, और इसने कोई नई गेम डाली होगी, और अब इसने कोई बड़ा हाथ मारा है, और जब ही भाग रहा है ये मुल्क से, जानता हूँ तुझे मैं। वो सुन लिया ना माँ, ये क्या कह रहे हैं? मैं इनके लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कभी इनके साथ रहना नहीं है और ना ही इनसे कुछ कहना है। हटो और जा, चला जा, नहीं रोकेंगे तुझे। अरे जाने दे इसको, ये नहीं है हमारा, बात नहीं समझती तू, देख इसको। जा रहा हूँ। जा, नहीं रोकेंगे तुझे। और बात सुन, अब तुझे हमारे कानों में आवाज भी नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह जिसके दिल पे मोर लगा देता है ना, उसके कान आँख बंद कर देता है, दिल पे मोर लगा देता है। तू जा, और बात सुन एक गौर से, अभी उसने तेरी रस्सी को ढील छोड़ा हुआ है, जिस वक्त वो खींचेगा ना, और तुझे लग पता जाएगा कि तेरा बाप क्या कहता था। चला जा यहाँ से, चले जा यहाँ से।